गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के मन की शांति कब खत्म होने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य की मन की शांति कब खत्म होने लगती है, कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में वह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो उसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। तो चलिए इसी पर आधारित एक कहानी सुनते हैं। पुराने समय में एक महिला सुबह शाम पूजा करती थी, साधु संतों का सम्मान करती थी, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके गांव में प्रसिद्ध संत पहुंचे। संत गांव के लोगों को प्रवचन देते थे, जीवन यापन के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। संत उस महिला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। महिला ने संत को खाना देते हुए कहा कि महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, कृपा मेरी परेशानी को दूर करें। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन संत महिला के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से महिला ने संत के सत्कार के लिए खीर बनाई। वह संत से सुख और आनंद का ज्ञान जानना चाहती थी। संत महिला के घर पहुँचे, उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज़ लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला कमंडल में खीर डालने ही वाली थी तभी उसकी नज़र कमंडल के अंदर पड़ी गंदगी पर पड़ी। उसने बोला, महाराज आपका कमंडल तो गंदा है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। संत ने कहा कि हाँ ये गंदा तो है, लेकिन आप खीर इसी में डाल दो। महिला ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी, आप कमंडल दे, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर देंगी? महिला ने जवाब दिया कि जी महाराज, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा कि ठीक है, इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, बुरे विचारों की गंदगी है, तब तक उसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? अगर ऐसे मन में उपदेश डालेंगे तो अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन को शांत और पवित्र करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि अगर मन को शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध और बुरी आदतों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी आदतें चलती रहेगी तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती है। जय श्री कृष्णा।